हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी की फोर्थ मूवी लॉर्ड स्लग को। तो चलिए मूवी पे आते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में पिग्लो को दिखाया जाता है जो झरने के पास मेडिटेशन करते रहता है। तभी वहाँ पास इक्रेस के साथ गोहान आ जाता है। गोहान और इक्रेस पिग्लो को एक डांस करके दिखाते हैं, तो उस धुन से पिग्लो को इरिटेशन होने लगता है, जिस पर वहाँ गोहान को ऐसा करने से मना कर देता है। इधर बुलमा के डैड आसमान में टेलीस्कोप से देखते हैं कि कोई ग्रह जैसा चीज उसके तरफ बढ़ते रहता है। यह बात सभी तरफ फैल जाता है, लोगों में इस बात को लेकर हड़कंप मच जाता है। तो गोकू और क्रिलन उस ग्रह का रास्ता बदलने के लिए उस पर अटैक करते हैं, जिससे वह ग्रह तबाही मचाते हुए पृथ्वी के बगल से गुजरता है। उस ग्रह के नष्ट होने से पहले उसमें से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर उतर जाता है। सभी लोग उसको देखने के लिए वहां पर जाते हैं। तभी उस शिप से मॉन्स्टर्स निकलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया है और यह ग्रह अब लॉर्ड स्लग का है। और दूसरे तब दिखाता है कि लॉर्ड स्लग अपने साइंटिस्ट को कहते रहता है कि उसे यह ग्रह बर्फ जैसा बनाने में कितना समय लगेगा। तो वह साइंटिस्ट बताता है कि उसको 3 दिन लग जाएगा। और इधर वे रोबोट्स लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी गोहान उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का हेलमेट टूट जाता है। वह सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लॉर्ड स्लग गोहान को लड़ते हुए देख रहा होता है। तभी उसकी नजर गोहान के हेड में लगे ड्रैगन बॉल पर पड़ता है। इधर चीची गोहान की हेल्प करने जाती है और दो मॉन्स्टर को मार गिराती है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसे मारता है। तो गोहान उसको लेकर जाने लगता है, तो उसका ड्रैगन बॉल वहीं गिर जाता है, जिसे लॉर्ड स्लग ले लेता है। फिर लॉर्ड स्लग बाकी का ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए बुलमा का दिमाग पढ़ने लगता है, जिससे वह ड्रैगन बॉल ढूंढने वाला यंत्र के बारे में जान जाता है और उस यंत्र को ले लेता है। फिर वह अपने साथियों को 1 घंटे में ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए भेजता है। वे सारे बॉल्स को ढूंढ लेते हैं। फिर इटर्नल ड्रैगन को बुलाकर उससे विश मांगता है कि वह हमेशा के लिए जवान हो जाए। ड्रैगन उसकी विश पूरी कर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड स्लग एक यंत्र को आसमान में छोड़ते हैं, जिससे काले बादल निकलता है जो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को ढक लेता है, जिससे वहाँ का वातावरण उनके सांस लेने के लायक हो जाता है। लॉर्ड स्लग के साथी मशीनों की मदद से पृथ्वी को ठंडा कर बर्फ में जमाने लगते हैं। इधर गोकू को भी होश आ जाता है कि यहाँ गर्मी के दिनों में बर्फ कैसे। इधर गोहान को दिखाता है जो स्पेसशिप के पास चुपके से नज़र रख रहा होता है, जिसे वे मॉन्स्टर देख लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। तो वहाँ पास पिग्लो आता है उसे बचाने के लिए। लॉर्ड स्लग के साथी भी आ जाते हैं जो पिग्लो से फाइट करने लगते हैं। पिग्लो उन मॉन्स्टर की पिटाई कर उन्हें मार देता है। इधर मेंढक जैसा मॉन्स्टर गोहान की सारी एनर्जी चूस लेता है और बाकी मॉन्स्टर पिग्लो पर अटैक कर देते हैं, जिससे वह घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर गोकू और क्रिलन आ जाते हैं। गोकू उन मॉन्स्टर से फाइट करता है और उन मॉन्स्टर को बुरी तरह से पीटने लगता है। तो वह मॉन्स्टर उस पर पावर अटैक करता है, जिससे गोकू वापस उसी पर अटैक करता है, जिससे वह मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर इधर फाइनली लॉर्ड स्लग आ जाता है, तो गोकू उसे कहता है कि जहाँ से वह आया है वहाँ चले जाए, पर लॉर्ड स्लग नहीं मानता। तो उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लॉर्ड स्लग गोकू पर भारी पड़ने लगता है। गोकू लॉर्ड स्लग को पंच करता है पर उसे असर नहीं होता। फिर लॉर्ड स्लग उसे हीट करता है तो गोकू घायल हो जाता है। लॉर्ड स्लग उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। फिर गोकू अपना पावर बढ़ाता है और सुपर सैयन बन जाता है और उस लॉर्ड स्लग की जमकर धुनाई करता है, जिससे लॉर्ड स्लग का हाथ टूट जाता है। तो वह दोबारा अपना हाथ उगा लेता है, जिससे पता चलता है कि वह एक मैमिक है। तब वह लॉर्ड स्लग अपनी अंदरूनी ताकत को जगाता है और एक विशाल रूप ले लेता है। लॉर्ड स्लग गोकू पर अटैक करने लगता है। वह गोकू पर भारी पड़ रहा होता है। लॉर्ड स्लग उसे पकड़ लेता है और उसे वह मसलते रहता है। पिग्लो गोकू को बचाने आता है तो लॉर्ड स्लग पिग्लो को ही पकड़ लेता है। तब पिग्लो अपना कान को उखाड़ देता है और गोहान को वही म्यूजिक सीटी बजाने को कहता है जो वह पहले भी बजा रहा था। तो गोहान सीटी बजाने लगता है, जिससे लॉर्ड स्लग उस सीटी की आवाज से तड़प रहा होता है। तो पिग्लो अपना एनर्जी गोकू को देता है, जिससे उसका पावर बहुत बढ़ जाता है। तब गोकू उस पर अटैक करता है, जिससे लॉर्ड स्लग घायल हो जाता है। फिर गोकू ऊपर बादलों को हटाने जाते रहता है, तो लॉर्ड स्लग भी उसके पीछे जाते रहता है। तो गोकू बादलों के ऊपर पहुंच जाता है, जहां सूरज साफ दिखाई पड़ता है। तो गोकू उस सूरज से एनर्जी लेकर लॉर्ड स्लग पर स्पिरिट बॉम्ब से अटैक करता है।
जिससे वह तबाह हो जाता है और आसमान के सभी बादल साफ हो जाते हैं। धरती पहले जैसी हो जाती है। फिर वहाँ याजी से भी आता है सभी को सेंसुबिन देने। वह पिकलो को भी एक सेंसुबिन देता है। और यहीं पर यह मूवी का एंड होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।